मदरसन ने जापान में अपना पहला अधिग्रहण किया है और इसके चलते शेयर फोकस में है। अधिग्रहण को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के वाइस चेयरमैन लक्ष्यवामन सहगल। सहगल साहब नमस्कार, स्वागत है आपके टीना स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो आपने अधिग्रहण किया है, ये बताइए किसी सिनर्जी बेनिफिट्स क्या होंगे, किस तरह की सिनर्जी बनेगी और आपकी कंपनी की आय पर आप कितना फायदेमंद होगा आय के लिहाज से अगर हम बात करें तो। जापान में हमारा पहला कदम है एज इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो पहले नहीं था। जापान इज वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट मदरसन के लिए। देखिए 7 मिलियन कार्स वहां पे प्रोड्यूस किए जाते हैं, इट्स डबल द साइज ऑफ द इंडियन मार्केट। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जापानीज कार मेकर्स जापान के अलावा पूरी दुनिया में गाड़ियां बनाते हैं और इससे हमें नॉट ओनली हम उनको जापान में सपोर्ट कर पाएंगे बट ऑल्सो उनकी ग्लोबल प्रोडक्शन में हम और मिरर्स सप्लाई कर पाएंगे विद दिस एक्विजिशन। मिस्टर सहगल, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो एक्विजिशन आपने की है तो क्या आपने आप येन में जो डिप्रिसिएशन आ रही है उसके बेनिफिट्स को देखते हुए आपने की है? दूसरी चीज ये है कि क्या चाइना और जापान के इतर भी किसी और ज्योग्राफी में आप एक्सपेंड करने की योजना बना रहे हैं? देखिए फॉरेक्स तो अभी काफी वोलेटाइल है पूरी दुनिया में, तो कहीं पे बेनिफिट है कहीं पे नहीं बेनिफिट है ये तो चलता रहेगा और क्लोजिंग भी का टाइम भी हमने दिया है, तब तक देखते हैं कहाँ करेंसी मूव करेंगे। बट मदरसन हम तो ग्लोबल कंपनी है तो हमारे रेवेन्यूज सारे करेंसीज में है दुनिया में, तो इतना हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमारा नेचुरल हेज है क्योंकि हम सारे कंट्रीज में लोकली प्रोड्यूस करते हैं, लोकली सप्लाई करते हैं, तो हाँ जी वो खरीदने में थोड़ा मूवमेंट है पर मैन्युफैक्चरिंग और सोर्सिंग और सप्लाई सब लोकल करेंसी में ही चलेगा। और एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे सर, हम देख रहे हैं कि यूरोप में थोड़ी दिक्कतें हैं, आज चाइना में भी स्ट्रगल है, आप ऑन ग्राउंड सिचुएशन आपको क्या लग रही है और क्या आपको लगता है कि जो भारतीय बाजार हैं वो बाकी देशों के मुकाबले अभी मजबूत हैं? हमने अपने पीछे रिजल्ट्स कॉल में भी बोला था कि काफी चैलेंजेस चल रहे हैं यूरोप में, आप देख रहे हैं वो करेंसीज भी काफी मूव कर रही है, वेज इन्फ्लेशन है, एनर्जी कॉस्ट बढ़ चुके हैं, तो ये सारे हम अपने कस्टमर से हम बात कर रहे हैं। मदरसन काफी डाइवर्सिफाइड है अपने प्रोडक्ट्स में, कस्टमर्स में, ज्योग्राफीज में, तो इसलिए हमारा इम्पैक्ट थोड़ा कम है और हमारा डेट भी कंपनी में कम है। बट जो चैलेंजेस हैं वो डेफिनेटली हैं, वो सारे सप्लायर्स के लिए हैं, बट अच्छी बात यह है कि कस्टमर्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो जानते हैं कि हम बहुत ही डिपेंडेबल और लॉन्ग टर्म सप्लायर हैं और वो चाहते हैं कि हम इस समय में और उनकी सपोर्ट करें और कंपनीज देखें और एक्विजिशंस करें, इसलिए उनका सपोर्ट हमारे पर पूरा है और अगले रिजल्ट्स में आप देखेंगे हमें, हम आके बताएंगे हमें कितना सपोर्ट मिला है कस्टमर से, पर अभी वो सारी बातें जारी है। ठीक है सहगल साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और कंपनी की एक्विजिशन बातचीत करने के लिए और आगे का भी थोड़ा सा आउटलुक हमसे शेयर करने के लिए। चलिए अब